हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है किंग खान, यानी कि शाहरुख खान बादशाह। तो आइए हम बताते हैं किंग खान के बारे में दोस्तों। और इनके पिताजी का नाम है ताज मोहम्मद खान और इनका जन्म यानी कि शाहरुख खान का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1965 को। और इस टाइम किंग खान हो गए हैं 58 ईयर के दोस्तों। और ये क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। ये एक एक्टर हैं दोस्तों, हिंदी सिनेमा में बहुत बड़े एक्टर हैं और फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं और टीवी पर्सनालिटी हैं, टीवी होस्टिंग करते हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं दोस्तों। और ये एक्टिव हुए थे 1988 से। और इनका ऑर्गेनाइजेशन भी है दोस्तों, रेड चिली इंटरटेनमेंट और नाइट राइडर ग्रुप। इनकी पत्नी का नाम हम आपको बता दें गौरी खान है। 1991 में इनकी शादी हुई थी। और बच्चे का नाम है, इनके बच्चों के नाम है आर्यन और सुहाना। और इन्होंने पद्मश्री 2005 में यानी कि 2005 में और फ्रांस से ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि भी मिली है। इनको अवार्ड भी दिया गया है और इनको बादशाह ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं दोस्तों और 14 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। इन्होंने अपने टीवी से अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1980 में। तो आइए हम आपको और भी जानकारी देते हैं इनके मूवी के बारे में। हम आपको बताते हैं इनकी मूवी जैसे कि दीवाना बाजीगर 1993 में आई थी, डर आई थी 93 में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में आई थी, दिल तो पागल है 1997 में आई थी, कुछ कुछ होता है 1998 में आई थी और मोहब्बतें 2000 में आई थी दोस्तों, कभी खुशी कभी गम 2001 में आया था, कल हो ना हो वीर जरा 2004 में आया था दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में और हैप्पी न्यू ईयर 2014 में। और भी इनकी दोस्तों पठान मूवी है, जवान है और क्रिकेट टीम भी है इनकी, इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।